देखो हम सबको मैं जबरदस्त। बताएं आज क्या बना रही हैं। आज हम छोले बना रहे हैं, आलू चने की चाट। आलू चने की चाट। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चाहिए? छोले हैं उबले हुए, अच्छा चने, जी, हरा धनिया, पुदीना, पुदीना है, हरा धनिया है, नमक है, अच्छा और ये खीरा है, और अच्छा ये इमली की चटनी है, ये आलू है, ये चाट मसाला है। अच्छा ये चाट मसाला है, ये आलू है, ये इमली की हरी चटनी है, और ये खीरा है, हरा धनिया, नमक, पुदीना, नमक है, हसबैंड जायका, जितना भी आपने डालना होता डालें। हम ये चने एक, हैं बॉयल, हाँ, एक चमचा हम नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। एक चम्मच नमक आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरा धनिया, पुदीना, सही, ये खीरा, अच्छा प्याज लहसुन, खीरा हो गया, ये ये हरा हरा धनिया डाल धनिया, दिया आपने, ये चटनी, ये इमली की चटनी हो गई, हरी चटनी। हरी चटनी, अगर हरी चटनी नहीं है तो आप खाली इमली की चटनी भी डाल सकते हैं ना, प्याज, इमली खाली इमली हाँ, भी डाल प्याज सकते हैं। इसलिए नहीं डाली कि खराब हो जाती है तो फिर बदबू आती है, अच्छा वरना प्याज डालें, प्याज भी प्याज अच्छा डालना है, है तो प्याज प्याज भी डाल डालना लें, डालना चाहिए, टमाटर डाल लें, टमाटर, मगर प्याज टमाटर प्याज इसीलिए तब नहीं डालें डाले, कि वो खराब ना हो। खराब। इस तरीके से बारीक, जैसे ये कटा हुआ है, इस तरीके से आप बारीक टमाटर और प्याज काट के भी डाल लें, मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़्यादा देर चल सकती है, कल तक भी खा सकते हैं आप इसको, फ्रिज में रख के ना, है ना भाई? टमाटर और प्याज है तो फिर आप उसको जल्दी से ख़त्म करना है। खुशबू आ रही है चटनी की, अच्छी लगती है। चाट मसाला भी मिला दिया आपने। नहीं, अभी ऊपर छिड़क लेंगे, अच्छा चटनी मिल जाएगी। चलो रेडी हो गया, चाट मसाला डाल दें, फिर ये डाल के चाहे तो टमाटर और प्याज ऊपर से डाल दें, तो ऊपर से डालेंगे तो उसी उसी टाइम खा लें बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।